पर एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच दिल्ली में देखो ना तो पुलिस वाले महफूज है और ना ही आम दिल्ली वाले। देश की राजधानी में अपराधी पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बुराड़ी का है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बीती रात यहां दो युवकों की हत्या हो गई है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो दूसरे युवक को चाकू से गोद कर मार डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रही है बुराड़ी से, जहां पर दो युवकों की हत्या कर दी गई है। मोबाइल छीनने को लेकर ये बड़ा अपडेट, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे अगर आदमी की बात करें तो उसको चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। चाकू से गोद डाला गया दूसरे युवक को। विवाद मोबाइल छीनने का था। घटना हुई बुराड़ी में। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। एक की गोली मारकर हत्या हुई एक युवक की, दूसरे की चाकुओं से गोद कर हत्या हुई। बुराड़ी में दो युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई है। तो दिल्ली में डबल मर्डर, और इस तरीके से देखा जाए तो निश्चित रूप से जो दिल्ली में घटनाएं हुई हैं वहां की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। जब सुबह उठी आपको क्या पता चला, क्या हुआ है? कि मारपीट चल रहा है, चाकू को भोंकवे चल रहा है, ईंटा चल रहा है। 10-15 आदमी था या कौन आदमी था, मारा नहीं मारा ऐसे तो मुझे पता ना, या कहाँ के है ऐसे। आपको आया पब्लिक लोग तो यहाँ सुता दिया, दो के लेके भाग गए, दो को ले गया तो एक मर गया रास्ते में, एक हॉस्पिटल में है या ना है ऐसे तो हमको मुझे पता नहीं है। उनके बीच में लड़ाई पहले से थी क्या? छीना छोरी करेगा तो मारपीट होबे करेगा। जब यहाँ पर ये सब हुआ, यहाँ पर पुलिस आई होगी क्योंकि ये बिल्कुल आपके घर के सामने ही है, तो आपको पता चला क्या, आपने क्या देखा? हम तो देखे मारता ही देखे, उठा के इधर रख दिया। डेढ़ बजे रात के ले गए, सब देखा हूँ। हाँ देखा हूँ। कितने लोग थे? अब लोग की तो हंगामा, लोग देखने ही वाला, अभी कितना पब्लिक जुट गया। क्या उम्र के क्या लग रहे थे कि 20-30 साल के रहा होगा? तो ये हमारे साथ चश्मदीद थी जिन्होंने इस घटना को होते हुए रात को देखा, और इनका कहना है कि लगभग 40-50 जो हैं वो लोग थे, और जो लड़ाई जिन लोगों के बीच में हुई वो लगभग 20 से 25 की उनकी उम्र जो है वो लग रही थी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं रिया जातुष्करण, ABP न्यूज़ दिल्ली। चश्मदीद की बात आपने सुन ली, अब मृतक की माँ की बात भी आपको दिखाते हैं। इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा जितने भी मारा उससे मुझे बदला चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बेटा को मारे दिया, दूसरा बेटा को क्यों मारा, चाकू क्यों मारा, सर फोड़ दिया। बुला के वो भी फोन करके बुलाया था उसको, ये स्वादिष्ट बड़ा स्वादिष्ट ऐसा मिल के मारा। बाकी तो मेरे बेटा को ही पता है कि इनसे लड़ाई हुआ था, मगर एक लड़का को है पता कि जिसने मेरा लड़का के साथ था सुबह से, वो इसी गली में रहता है। सुबह से मेरा लड़का साथ वही था, वही बाकी बता सकता है। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया? नहीं, उसका दोस्त था, इसी गली में रहता था, उसके साथ मेरा लड़का था दिन भर, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं काम पे चली गई थी, मुझे नहीं पता था कि लड़ाई उड़ाई हुआ है। और सीधा आपको वरुण के पास ले चलते। वरुण देखिए, एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर दो युवक की हत्या कर दी जाती है, मोबाइल छीनने का विवाद है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी इस वारदात के बाद सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार का ये भी आरोप है कि जिस समय मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ था उस समय भी पुलिस को कॉल किया गया था, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शायद पुलिस समय पर पहुंची होती तो ये घटना इतनी आगे नहीं बढ़ती कि दो लोगों की जान चली जाती। मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ था और उसी को लेकर ये जो दो गुट थे आपस में देर रात को करीब 2 बजे के आसपास भिड़ गए, और आप देखिए इस तरीके से खूनी खेल हुआ कि दोनों तरफ से चाकू चली और गोलियां चली, और जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। अब पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों बदमाशों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं, और पुलिस क्यों समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे कि इन वारदातों को रोका जा सके। जी वरुण, आप कह रहे हैं कि पुलिस को सूचना दी गई थी उसके बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, आपको पता चल पाया? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो दो युवक जिनकी हत्या की गई है ये एक ही गुट के थे या दो अलग अलग गुटों के थे? जी
देखिए जो शुरुआती अभी जो जानकारी मिली है दोनों अलग अलग गुट से थे, क्योंकि जिस युवक का मोबाइल छीना गया था, जिसको देर रात को घर से बुलाया गया, वो उसका भी काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इन जो ये दो गुट आमने सामने हो गए इस झगड़े के बाद, उसके बाद दोनों तरफ से चाकू चलाया गया, गोली चली और जिसमें दोनों ही तरफ से एक एक शख्स की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वारदात इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्यों दो लोगों का झगड़ा आपस में दो गुटों में तब्दील हो गया, क्यों जब शुरुआत में मोबाइल छीना गया था, जब झगड़ा हुआ था, पुलिस को कॉल की थी तो पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंभीर सवाल है वो पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। जी बेशक बेशक वरुण, अपने आप पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, चूंकि उसको सूचना दी गई थी। क्या उम्र थी इन युवकों की जिनकी हत्या की गई? देखिए सभी 20 से 25 साल के युवक हैं, आसपास ही रहते हैं और बुराड़ी इलाके में दो अलग अलग कॉलोनी है जहां पर ये रहते हैं। तो क्या कहीं इन दोनों गुटों के बीच में कोई पुराना झगड़ा तो नहीं चला आ रहा था? ये भी पुलिस के लिए एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एक मोबाइल छीनने को लेकर झगड़ा और उसके बाद दोनों जो झगड़े के जो दोनों आरोपी हैं वो दो गुट में तब्दील हो जाए और उसके बाद आमने सामने भिड़ जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होता है। तो पुलिस अभी ये भी जाँच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी हो, और उस पुरानी रंजिश का यही नतीजा निकला कि झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दो लोगों की जान चली गई। तो सारे नौजवान हैं, दोनों आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, और फिलहाल जो कल जो झगड़ा हुआ था वो एक मोबाइल को छीनने को लेकर हुआ था। जी अच्छा वरुण, जैसे कि आपने अभी कहा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ सवाल भी उठ रहे हैं, काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू करी है इस मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने जो चश्मदीद है उनके भी बयान दर्ज किए हैं, क्योंकि इसके अंदर दो से तीन लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनके बयानों का इंतज़ार कर रही है, और कई लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस वारदात के अंदर शामिल थे। अलग अलग टीमें बना दी गई है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी, और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर समय रहते ही पुलिस ने यह कार्रवाई की होती तो शायद जो वारदात है इतनी आगे तक नहीं जाती, दो लोगों की जान नहीं जाती। जी बिल्कुल ठीक है आपने वरुण, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए इस घटना के सामने आने के बाद। बहुत धन्यवाद आपका।